मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 8 बजे के हमारे 5 मिनट में सभी बड़ी खबर न्यूज बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे गुजरात में धनिया की उपज एवं प्राइस आउटलुक पर। गंत्री फूड्स राजकोट के अतीश पटेल हमारे साथ हैं। इसके अलावा तेल तिलन में आए सुधार पर राय जानेंगे मनोज कुमार जैन की। अतीश जी आपका स्वागत है। गुजरात सरकार ने राज्य में इस साल 34,20,000 बोरी धनिया पैदा होने की बात कही है, ट्रेड एस्टीमेट क्या आ रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर? फील्ड एस्टीमेट देखा जाए तो मेरे ख्याल से गुजरात गवर्नमेंट के आंकड़ों में थोड़ा गलती है। मेरे ख्याल से 40 लाख के आसपास प्रोडक्शन होना चाहिए, 40 लाख बैग्स के आसपास। जी 1-2 लाख बैग्स आगे पीछे वो तो ठीक है, चलो पक्का तो मालूम नहीं चलता है, लेकिन 40 लाख के आसपास रहना चाहिए। ये लास्ट ईयर कितना था ये प्रोडक्शन? लास्ट ईयर 17 लाख बैग्स के आसपास था वो। अतीश जी जैसे अब सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, मंडियों में कारोबार होने लगा है, तो धनिया में किस तरह कारोबार हो रहा है और शॉर्ट टर्म में आपको प्राइस मूवमेंट कैसे दिखते हैं? देखो अभी ये कोरोना की इफेक्ट की वजह से जो मंडियां बंद थी तो वो खुली तो शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत ग्राहक ही ज्यादा रहा, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा अप हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो डाउन हो गया है मंडियां खुलने के बाद और सब जगह पे माल थोड़ा थोड़ा पहुंचने लगा है। दूसरी चीज ग्राहक की इस बार शायद कम रहेगी थोड़ी। आज की तारीख में मुंद्रा का ट्रेड हो रहा है रफली 58 रुपीज के आसपास ईगल क्वालिटी का, वो बीच में समझो आज से हफ्ते 10 दिन पहले बढ़ के 62-63 तक चला गया था, क्योंकि उस वक्त मंडियां सब बंद थी, अवेलेबिलिटी कम थी और सबको डिलीवरी कंप्लीट करनी थी अप्रैल महीने की। जी धन्यवाद मनोज जी, स्वागत है आपका। ऑयल सीड और ऑयल वायदा में सुधार देखने को मिला है, इस सुधार का कोई खास कारण? बिल्कुल, हमने पिछले कुछ समय से ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी एक गिरावट देखी थी। ये पिछले शुक्रवार से जो बिकवाली हावी हुई थी वो हमने देखा था कि कल तक जो है बाजार में देखने को मिली थी और लगभग सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में दबाव था। स्पेशली जिस तरह से जब कच्चे तेल में जो नेगेटिव सेटलमेंट देखा गया उसके बाद से सारी ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी जो है दबाव देखने को मिला था, लेकिन कल जब इंटरनेशनल मार्केट में यूएस की तरफ से एक $500 बिलियन का फिर एक आर्थिक सहायता पैकेज आने की उम्मीद बंधी तो उसके बाद ग्लोबल कमोडिटीज मार्केट में फिर से सुधार देखने को मिला और उसी का जो सपोर्ट आज भारतीय बाजारों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज को मिलता हुआ दिखा। दूसरा, सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन में ये दिशा निर्देश निकल कर आए कि जो ग्रीन जोन वाले एरिया है वहां पे कुछ छूट दी जाएगी, तो उसकी वजह से भी यहाँ कीमतों को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। बिल्कुल संक्षेप में, सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में ट्रेड करते समय अब किस लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? मेरा मानना है कि निचले स्तरों से सारी कमोडिटी में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, तो अब यहाँ पे जिन लोगों ने निचले स्तरों पर पोजीशन बनाई है उनको सोयाबीन में 3,820 से 3,850 के रेंज को ध्यान में रखना चाहिए और इन स्तरों के आसपास आए कमोडिटी में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। नीचे में 3,680 स्ट्रांग सपोर्ट है, तो करेक्शन में अगर वो स्तर के आसपास भाव मिलते हैं तो फिर वहाँ फ्रेश खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए। इसी तरह से अगर रिफाइंड सोया ऑयल वायदा की बात करें तो यहाँ भी 802 से 808 के जो रेंज है वहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो इन स्तरों के आसपास भाव मिलने पर यहाँ पे भी मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए और सपोर्ट स्तर 778 के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो वहां फिर खरीदारी की जा सकती है। सीपीयू की अगर बात करें तो यहाँ 644 से 648 के दायरे में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो इन स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। करेक्शन में 622 के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां नई खरीदारी की रणनीति रखें। सरसों वायदा की अगर बात करें तो यहां भी 4,180 से 4,200 के स्तर में अगर भाव देखने को मिलता है तो मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। करेक्शन में कीमतें कहीं भी अगर 4,040 के आसपास आती है तो वहां पे खरीदारी की रणनीति बनाना उचित होगा, ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करने से बचना चाहिए और अगर यहां पे थोड़ी और बढ़त देखने को मिलती है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए।